हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभियांत्रिकी गुरु में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना खोया हुआ या फिर चुराया हुआ, आपने कहीं मिस कर दिया, किसी ने चुरा लिया, किसी ने ले लिया, आप अपना डिजिटल कैमरा कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि वो कहाँ है ना मज़ेदार चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ब्राउज़र में सर्च करना होगा स्टोलन कैमरा फाइंडर, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पहला ये जो मिलेगा रिज़ल्ट, यही है आपका www.stolencamerafinder.com। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके काम करने का तरीका ये है कि आप जो भी फ़ोटो खींचते हैं उसमें कुछ डेटा होता है जिसे हम हिडन डेटा बोलते हैं, और उसको बोलते हैं EXIF डेटा, मीन्स एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट डेटा। एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट डेटा, ये डेटा जो है जब आप अपने डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो उस टाइम पे फ़ोटो में सेव हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपनी जो भी फ़ोटो, लास्ट फ़ोटो जो भी आपने खींची थी जब आपके पास कैमरा था, तो वो फ़ोटो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसे कि ये रहा। जैसे फ़ोटो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर इसने बता दिया कि मेक क्या है, कैनन, मॉडल नंबर क्या है, डेट क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल ये आपको यहाँ पर बता देता है। वेबसाइट पे अपलोड की है, कहाँ की है, किसने की है, वो सारी चीज़ यहाँ पे जो है आपका ट्रैक हो जाता है। ये देखिए मॉडल है, यहाँ पे इतनी डेट को ऐसे ऐसे किया था, आप पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मैन्युअली इसमें करना चाहते हैं, आपके पास इमेज है वो नहीं है आपके फ़ोन में, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगी, अगर बाई चांस नहीं है तो आप इसमें मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। मैन्युअली एंटर करने के लिए आपसे ये पूछेगा यहाँ पर, मैन्युअली सर्च अगर आप करते हैं तो यहाँ पर एंटर सीरियल नंबर डालिए जो कि यूनिक होता है, हर कैमरे का, हर कंपनी का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, आप यहाँ पर मैन्युअली डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसमें एक टैब है मैप की, आप वहां जाकर भी इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंट में कहां पर है आपका कैमरा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, और ये जो बेल आइकन है इसको भी बजा दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। ऐसी ही ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।